हालचाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। जी तो पहले बहन भाई, आज ये देखिए बहुत तेज आंधी आई है मुल्तान में, और कभी आधी है तो कभी रुक रही है, तो मुझे तो लगता है कि बारिश भी आएगी, और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं पढ़कर। बारिश भी आएगी, वो भी कह रहे हैं कि बारिश भी आएगी। तो क्या ये कपड़े उतारे? हाँ जी, मौसम बहुत खराब है, मौसम बहुत खराब है। इधर आंधी बहुत तेज आंधी आ रही है, मोटर चला रही जल्दी से कि लाइट ना चली जाए और पानी जो ना वो टैंकी में फुल हो जाए। ये कहकशां ही है भाई से अब, और बहुत तेज आंधी है। आ जाओ जल्दी। ये देखो बारिश भी आ रही है। हाँ जी, हल्की फुल्की बारिश भी आना शुरू हो गई है, और बहुत आंधी बहुत तेज। ये देखिए जी, मौसम बहुत प्यारा हो चुका है और बारिश आ रही है हल्की फुल्की। ये हल्की फुल्की बारिश आ रही है, और सूरज भी है, सूरज भी नीला हुआ है। इधर बादल कहाँ जा रहे हैं आलू वाले? हाँ जी, वाह जी। तो उसमें भी बैठी है नान खाने के लिए? हाँ जी, बच्चे लेकर आए थे नान, तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ मैं भी खा लेती। अच्छी बात है, खाते पीते रहे। आ जाए तो स्कूल से बच्चे आ गए पढ़ने के लिए, तो इनके यूनिफॉर्म अभी नहीं लिए, आज लूंगी इंशाल्लाह, और सब बहन भाई सब फिर वो भी शेयर करेंगे हम कि इनके यूनिफॉर्म लेके आए हैं। और मैम ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं ना जी, चले क्योंकि यूनिफॉर्म जो चेंज हो गया है ना, इसलिए यूनिफॉर्म चेंज हुए हैं, तो इसलिए फिर यूनिफॉर्म अब लेके आई। तो पहले बहन भाई देखिए, आंधी तो आई थी मगर ना आंधी में ना राजदा भाभी भी उड़ती हुई मेरे पास आ गई। मट्टी से भर गए हैं, लेकिन हल्की हल्की आंधी आ गई, हम आंधी के साथ उड़ के बाजी रुबीना के पास चले गए। तो ऐसे ही नासिर भाई उड़कर आ गए, हम घर से निकले सब्जी लेने के लिए। अच्छा, लेकिन आंधी ने इधर का रुख कर दिया, आंधी ने इधर का रुख कर दिया। उड़कर आए फिर या बाइक पर आए? आए बाइक पे, लेकिन स्टार्ट नहीं की। अच्छा, साथ ही रहते हैं। अच्छा, कहीं ऐसा हवा ने लगाया कि सीधा इधर लेके आ गई बाजी रुबीना के पास, सब्जी वगैरह ना ले बाजी के पास चलो। चले बल्ला करे आंधी रुक गई है, तो क्या रहे यहाँ पे, जिस दिन आंधी आएगी उस आंधी में आपको वापस भेज देंगे। जैसे फिर हम बाहर निकलेंगे आंधी का झोंका आएगा घर पहुँच जाएंगे। वैसे हैरान कुन बात है कि आप आंधी में उड़कर हमारे घर आ गए। घर में हमें इंतजार में बैठी होगी सब्जी लेके कब आएंगे, अभी तक तो पहुँचे नहीं, पता चले कि वीडियो देखे बाजी रुबीना के घर पहुँच गए। वीडियो तो आपका पता, मेरे पास एडवांस होती है, तो वो तो देखेंगे जब आंधी खत्म हो चुकी होगी तो बारिश भी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि बारिश हल्की फुल्की बारिश आई है तो आंधी दब गई। मौसम अच्छा बन गया, मौसम अच्छा। अल्लाह उज़्मा भी तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि आज हमने भी आंधी में उड़कर जाना है कहीं। इधर राशदा भाभी बैठी हैं, उज़्मा तैयार, बच्चे तैयार, कैक्षा आप भी तैयार हो जी। तो अशना भी माशाल्लाह जी बहुत तैयार। अब्दुल्ला वाजी वाह, सलाम अलैकुम करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अब्दुल्ला। अच्छा जी, ये हमारा अहमद खड़ा है और ये अशना खड़ी है, तो जहाँ हमने जाना है, सिस्टर को भी बहुत इंतजार है। तो जी आंधी भी आई हुई है मगर जाना भी लाजमी है, वो कहते हैं ना फिर जाना भी जरूरी था आना भी जरूरी है, फिर वहां जाके लफ्ज भी हमने कहना होता है। तो जी और वो खेल रहे हैं, और आंधी अब भी आ रही है और सूरज भी है जी। तो पहले बहन भाई और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, और अब हमारी तैयारी है जाने की। तो जिन सिस्टर के यहाँ जा रहे हैं तो इंशाल्लाह वहां जाकर मुकम्मल करेंगे अपना व्लॉग, और हमारे साथ रहिएगा और सब बहन भाइयों के साथ मैं शेयर करती रहूंगी, और हो सके तो मैं रास्ते की वीडियो भी आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करती रहूंगी। सब तैयार है, बच्चा पलटन जितनी हमारी सब माशाल्लाह से तैयार है, उज़्मा रेडी है। तो जी क्योंकि उज़्मा को मैंने ये बात की है कि हंसते रहे मुस्कुराते रहे, जो दुख इंसान की जिंदगी में आते हैं तो उसमें भी कोई बेहतरी होती है, तो हंसना चाहिए मुस्कुराना चाहिए इंसान जिस हाल में भी हो, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो जी दुआ कीजिए अल्लाह ताला उज़्मा को सेहत दे और आमीन। और जी जिस सिस्टर के हम जा रहे हैं आप बहन भाइयों से शेयर। पहले बहन भाई जो हमने कहा था हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह, और सिस्टर भी मौजूद हैं, और ये उज़्मा मेरे साथ में हमारे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी माशाल्लाह, तो ये जी हमारे इस्तकबाल हो रहे हैं सिस्टर, ये फूलपति इनसे ना भी पाँव में आती हैं, तो कोई नहीं क्योंकि हम यही साइड पे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पाँव में ऊपर
हाँ जी पाँव में आ जाती है पति। चले कोई नहीं, आप उठा रहे ना पतिया ने डाले आप बस। तो जी ये सिस्टर कचरे पे ना रही है हमें, और बहुत दिनों से इंतजार था हमें सिस्टर से मिलने का, सिस्टर कम से मिलने का, आज वो दिन आ ही गया। ये मैंने पहने क्या पहना जी? तो उसमें भी ये खड़ी ही है और मुझे भी आपने देख लिया, और ये हमारी सिस्टर है। तो जी सिस्टर क्या हाल चाल है? आपने तो हमें बोलने का मौका नहीं दिया, रास्ते में आपने इस्तकबाल शुरू कर दिया। आप काफी लेट हो गए थे, कब से हम लोग वेट करे, और मेरे बच्चों की तो इंतहा खुशी की नहीं है ना माशाल्लाह। तो बच्चे भी है बेटा? अच्छा अच्छा बच्चे मेरे जी, आंटी रुबीना आ रही है, आंटी रुबीना आ रही है, काफी वेट। दरअसल वो उस्मा की तबीयत का मसला था, फिर हम नहीं आ सके इतनी दिन, तो फिर कोई ना कोई मसला बनता रह गया हमारे साथ। आज इंशाल्लाह टाइम निकला है, उस्मा की कुछ तबीयत बेहतर है। ये सिस्टर का रूम है, तो माशाल्लाह इन्होंने काफी अच्छे से सजाया हुआ है, और इधर ज्यादा शौक है घर सजाने का, डेकोरेट करने का, डेकोरेट करने का। ये है मेरा छोटा सा घर, छोटा सिस्टर वो कहते हैं ना, मेरी प्यारी बहन वो कहते हैं कि घर बेशक छोटा है लेकिन दिल में रहने वाले, जो घर में रहने वाले हो ना उनका दिल बड़ा होना चाहिए। बस यही बात। अक्षा और अशना अहमद और सजावल, ये सजावल बैठे हुए, तो रुस्मा बैठी हुई है, और इधर मैं आपको, ये बच्चे खेल रहे हैं, और जी ये बाजी हमारी सिस्टर भी है, बाजी भी है, बहन भी है। देखे हम एक बाजी अगर हम या बहन का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तो हम नाम लेना अच्छा नहीं समझते, हम इसलिए कहते हैं कि सबके सामने एक इज्जत से और एहतराम से आप ही बाजी आंटी कहने में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक इज्जत वाले अल्फाज होते हैं। तो हमारी बहन है, अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी दे। तो जी हम पहुंच चुके हैं अपनी बहन के यहाँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने वेलकम किया हमारा, तो जिंदगी में हमें याद रहेगा। आप कुछ कहना चाहेंगी सिस्टर? मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि मुझे इतनी खुशी हुई है आपके आने से, आप यकीन करेंगी मेरी खुशी की चिंता नहीं है, बहुत ज्यादा खुश हूँ बहुत ज्यादा। और मेरे बच्चे काफी देर से आप लोगों का वेट कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब आपने भी आना है इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इंशाल्लाह आऊंगी। और मेरा तो आपसे कब से वादा चल रहा था कि फर्स्ट टाइम पहले आप लोग आएंगे, जैसे अहमद भाई आप लोगों के घर आए हुए थे, सबा भाभी आई थी, हाँ जी हाँ, तो मेरा उनसे भी था, आपसे भी था, तो बस फिर वो नहीं आ सके, किस्मत वो नहीं आ सके, कोई नहीं, हो फिर आएंगे इंशाल्लाह, फिर आपके तरफ लाजमी आएंगे इंशाल्लाह। वो देख रहे होंगे हमारा चैनल, देखते हैं जी, देखते हैं उनको भी, हम लोग देखते हैं रोज रोज, उनका ब्लॉग चेक करते हैं, कॉमेंट देखते हैं, और मैं उनको भी दोबारा जब भी वो मुल्तान है हमारे घर जरूर है, आएंगे इंशाल्लाह जरूर आएंगे। ये जी तितर सिस्टर का घर, तितर सिस्टर ने रखा हुआ है, सिस्टर क्या क्या चीजें रखी हैं घर में? ये जो है ना हर चीज खाता है, और हम सब चले गए ना उस कमरे में, हाँ जी हाँ जी, अब ये बोल रहा है क्या, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, जी। तो माशाल्लाह जी ये खाना लगना स्टार्ट हो चुका है, सिस्टर ने चने और ये मीठी टिकड़ी है जो बनती हैं, और सलाद रायता, और ये है खीर माशाल्लाह, और बच्चे हैं बेताब, अभी कोरमा और चावल लेके आ रही हूँ। सिस्टर इतना इंतजाम क्यों किया खाने का? बस मेरा दिल कर रहा था। क्यों कर रहा था? मेरी बहन मेरे घर आई है। अच्छा तो मैं ऐसे नहीं आ सकती सिस्टर, मैं ऐसे नहीं आ सकती, मुझे बताइए पहले कि मैंने इतना खाना, और अब मैं तो शहर से ही आई हूँ। अब आप मेरे साथ ना एक रात बस नहीं, इंशाल्लाह एक रात रहेंगे आपके साथ भी, जरूर रहेंगे, और अब आपने भी खिदमत का मौका देना। अनकरीम माशाल्लाह मिलाद आ रहा है, क्योंकि उस्मा का जो मैंने ऑपरेट करवाना है तो उनसे पहले मिलाद आ रहा है, बल्कि उससे पहले कोशिश कीजिए घर का चक्कर लगाइए, आइए आप इंशाल्लाह। तो सिस्टर आपके चैनल का नाम क्या है भला? मेरे चैनल का नाम जी है बप्पी फैमिली व्लॉग, बप्पी फैमिली व्लॉग। तो पहले बहन भाइयों आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सब ने भरपूर साथ देना है, जैसे आप हम सब बहन भाइयों का साथ देते हैं ऐसे ही आपने सिस्टर का साथ देना, हमारी बहन है, अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी दे, बहुत सारी खुशी दे, और जो जितने बहन भाई हमें देखते हैं ना खुदा कसम बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? कि हमें इतना प्यार देते हैं, इतनी सारी हमें वो दुआएं देते हैं, और हमारा दिल खुश हो जाता है। इसी तरह आपने साथ लाजमी देना है हमारी बहन का,
बप्पी फैमिली व्लॉग, क्योंकि मैंने इनके मुंह से इसलिए करवाया कि ये खुद भी एक बार कहें और फिर अब मैं भी बार बार दोहरा रही हूँ, बप्पी फैमिली व्लॉग आपको लिंक जो उनसे है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ये जी पुराने घर में होती थी पहले हवा के लिए माशाल्लाह, क्योंकि पुराना घर है ना ये, तो फिर भी सिस्टर ने माशाल्लाह बहुत सजाया हुआ इसे, और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप, क्योंकि जब लाइट जाती है गर्मी होती है तो हवा के लिए बहुत जबरदस्त हवा। सिस्टर क्या कर रही हैं जी? सिस्टर क्या हो रहा है जी? मैंने वैसे तो सारी तैयारी कर ली थी, चावल मैंने ना टाइम पे बनाया तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। अच्छा। कोरमा बनाया चिकन, चिकन का, और ये गरम कर रही हूँ। अच्छा, ये जी सिस्टर ने कोरमा बनाया। हाँ जी, और ये चावल दम पे से उतार दिए ना, फिर इनका यकदम होगा ना बाद में, फिर हाँ फिर यकदम हम शुरू हो जाते होते खाने के लिए सब। ये सिस्टर क्यों डर गई? मैंने कहा बोलते बोलते रुक गई ना। नहीं, मैं बोलते बोलते नहीं रुक गई। चावल बहुत मजेदार, मुझे यखनी पुलाव बहुत पसंद है। अक्सर मैं बीफ की हड्डियां जो आती है ना, बीफ का गोश्त वो जो हाँ, कर देती हूँ। अच्छा अच्छा। और चिकन की यखनी निकाल के ना, जी जी, बहुत मजे का बनता है, बहुत मजे का। अब मैं अपने मुंह से भी मिठू तारीफ नहीं करती। नहीं नहीं, माशाल्लाह चीजें देखने से ही पता चल जाता है जी। तो उज़्मा ये बैठी हुई है। हाँ जी उज़्मा, आ जाए। चले ठीक है, मैं आ रही हूं। ठीक है, खाना लग चुका है, सिस्टर कह रही है तो आप भी आ जाए। आ जाए। और कैक्षा का देखे जी, वो भी खेल रही है, अर्चना भी खेल रही है जी। बैठ चुके हैं अहमद? हाँ जी, अहमद बैठ गया है, तो सब बच्चे बैठ गए हैं। इधर कक्षा बैठ चुकी है और मेरी गोद में है ओन मोहम्मद, इसलिए जी। तो माशाल्लाह से खाना आ चुका है और सब बहन भाई अब खाना खाने लगे हैं, और सिस्टर को भी बुलाते हैं कि आए और खाना खाए। आ रही हैं तो कक्षा इधर बैठ चुकी है। और जी है जी, बीफ पुलाव है ना, ये बीफ पुलाव है और ये चिकन कोरमा। हमारी हमारे साथ आ चुके हैं खाना खाते इकट्ठे बैठकर, और उज़्मा हम सब मिलकर खाना खाते हैं। तो आए जी, जितने बहन भाई हमारे साथ आए और बैठे खाना खाए, तो और मोहम्मद ने देखे कपड़ों की जिप तोड़ दी कि मेरी कमीज उतार दे, मगर मैंने जिप नहीं, कमीज नहीं उतारी इनकी, ये देखिए। हाँ जी, और जिस जिस बहन भाई ने खाना है वो हमारे साथ आए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मेरे बहन भाई, हमारा आज का व्लॉग खत्म होता है, और उम्मीद करती हूँ हमारा आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। आज हम घूमने निकले अपनी सिस्टर के यहाँ, आ गए देख ले, आंधी जैसे आज आंधी आई है ना, आंधी आंधी के आ गई है, आंधी का इंतजार देख रहे, आंधी आएगी तो हम जाएंगे। बहुत अच्छी सिस्टर है, तो बहुत अच्छा इन्होंने हमारी इज्जत की है, तो अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, इन्हें इनके बच्चों का भी सेहत दे, आपको भी सेहत दे। हाँ जी, तो जी आज उज़्मा भी साथ और बच्चे भी साथ, आज हम सब आए अपनी सिस्टर के, क्योंकि घर से इतना दूर नहीं था, करीब ही था, और इसी एरिया में मेरा ससुराल भी रहता था, कभी रहते थे वो, लेकिन अब आई घर हमारा इसी इलाके में पड़ा हुआ है, जो मेरे ससुराल वालों का और जो मुश्तर का हिस्सा है, अब वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, वो भी ज्यादा नहीं। तो जी प्यारे बहन भाइयों, आज का व्लॉग हमारा खत्म होता है, बप्पी फैमिली व्लॉग, मैंने आपको पहले भी सबको बता दी है बहन भाइयों को, ये सब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, और आपने सबने साथ देना है जितना भी हो सकता है। तो जी जो जो हमें पाकिस्तान, इंडिया और बिगौनी ममालिक से देख रहे हैं, सबको हमारे तरफ से अस्सलामु अलैकुम। और जी सिस्टर आप बता दें, मुझे बहुत खुशी हुई है बाजूगीना ने अचानक सरप्राइज दिया, मुझे इनके साथ इतना मजा आ रहा है, इनके साथ काम जी। तो बहन भाइयों इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी सब बहन भाइयों से, डिस्क्रिप्शन में सिस्टर का लिंक आपको मिल जाएगा, और सबने आना है, भरपूर साथ देनी है, कम अज कम वन के करवा दे सिस्टर। मैं भी कह रही मेरे वन की एक वीडियो तो एक तो वायरल हो जाए, बाकी वन के भी हो जाए, या अल्लाह वीडियो वायरल कर दे, या अल्लाह वीडियो वायरल कर दे, क्योंकि एक बार फिर वीडियो वायरल हो ही जाती है। कोई नहीं, सिस्टर कहते हैं ना, देर है तो दोस्त है, अल्लाह ताला जब भी, अल्लाह ताला ने मुझे तो भाई इनका वसीला बना के भेजा, वरना मैं तो खामोश बैठी हुई थी। मैं ये नहीं कहती, लेकिन हम एक क्या है कि कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से। हाँ जी, हम एक कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबका भला करे, लेकिन ऊपर अल्लाह की जात है जो बेहतर साथ देती है, और जो अपने बंदों को माफ कर देती है। तो हम क्या चीज है, मैंने तो आपको पहले अल्लाह ताला से जो भी मांगना चाहिए अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, बेशक, लेकिन इंसान, हाँ जी, वसीला होता है, अगर हो इंसान, हम वसीला तो इंशाल्लाह
कामयाबी जरूर मिलेगी, बंदों पर अल्लाह है जरूर कामयाब करने वाला है। तो जी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सब बहन भाइयों से, अच्छा सा व्लॉग लेकर खिदमत में हाजिर होंगे। जो हमारा अब चाय का प्रोग्राम होगा वो अगले व्लॉग में शेयर होगा। तो जी इंशाल्लाह तब तक के लिए हमें इजाजत दें। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।